प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का दरबार सज गया। अयोध्या प्रभु राम के जयकारों से गूंजने लगी। राम भक्तों का उस पल का इंतजार है राम भक्तों को, जब 22 जनवरी को करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज और सवर रही हैं, अयोध्या पर टिकी हुई हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के हर कोने में लोग प्रभु राम की भक्ति में डूब चुके हैं। हर कोई अपने प्रभु राम के लिए अपनी तरफ से भेंट अर्पित करने में जुटा है। पाठशाला में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश कैसे इस वक्त राममय हो चुका है, उसकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। सबसे पहले राममय हो चुकी अयोध्या की तस्वीर देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। आप देखिए कैसे पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई। श्री राम जन्मभूमि के मौजूदा मंदिर में रामलला की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के बाद रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। 56 भोग के प्रसाद में अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये देखिए 56 भोग मिठाइयां, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू सब शामिल थे। इंदौर में राम भक्तों ने लोहे के कबाड़ से बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल तैयार कर दिया। बॉस, ये लोहे के कबाड़ से बना हुआ राम मंदिर का मॉडल। राम मंदिर के इस मॉडल को इंदौर के एक पार्क में रखा गया है। करीब 21 टन लोहे के कबाड़ से तैयार किए गए राम मंदिर के इस मॉडल की लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 26 फीट है और ऊंचाई 27 फीट। राम मंदिर के इस मॉडल को 90 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। इस राम मंदिर को बनाने में पुरानी गाड़ियों के चेचेस, स्ट्रीट लाइट्स के पुराने खंबे और पुराने खराब झूलों समेत लोहे के दूसरे कबाड़ का भी इस्तेमाल किया गया। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में गजब का उत्साह है। लोगों में होड़ लगी है कि वो किसी ना किसी तरह इस ऐतिहासिक पल में अपना सहयोग करें। ऐसे में जेल में बंद कैदी भी पीछे नहीं दिख रहे। ये कानपुर के जिला जेल की तस्वीरें हैं, जहां जेल में बंद कैदी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम पताका तैयार करने में जुटे। ऐसा नहीं है कि कैदियों पर दबाव डालकर यह काम करवाया जा रहा है। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदियों ने खुद राम पताका तैयार करके अयोध्या भेजने की इच्छा जताई, जिसके बाद जेल में इसका इंतजाम किया गया। अयोध्या भेजने के लिए कानपुर जेल में 2100 राम पताका तैयार की जा रही है। इसी तरह आजमगढ़ जेल में बंद कैदी प्रभु राम के स्वागत में दिवाली मनाने के लिए अपने हाथों से दिए तैयार कर रहे हैं। अब तक करीब 2500 दिए तैयार किए जा चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा तक कुल 5000 दिए तैयार कर लिए जाएंगे। कैदियों के बनाए इन्हीं दियों से 22 जनवरी के दिन आजमगढ़ जेल को रोशन किया जाएगा और दिवाली मनाई जाएगी। आप इमोशन देखिए, इमोशन। जेल में बंद कैदी भी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए कुछ कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, तो राम मंदिर ट्रस्ट भी रामलला के विराजमान होने की खुशी को यादगार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए करीब 7000 मेहमानों को चांदी का सिक्का, ब्रास की थाली और अंग वस्त्र भेंट किया जाएगा। मेहमानों को श्री राम जन्मभूमि की नींव की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी भी भेंट की जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ा एक चित्र भी उपहार के तौर पर दिया जाएगा। ये सभी उपहार एक जूट के झोले में रखा जाएगा, जिस पर राम मंदिर की तस्वीर बनी हुई।